वेलकम टू योर लर्निंग पॉइंट। फाइनली MCB ने अपनी एप्लीकेशन को लॉन्च कर दिया है जिसका नाम MCB लाइव है। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप MCB लाइव एप्लीकेशन को कैसे डाउनलोड कर सकते हैं, कैसे उस पर रजिस्टर हो सकते हैं और कैसे अपनी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस को एक्टिवेट करवा सकते हैं। तो चलते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। MCB लाइव एप्लीकेशन को डाउनलोड करने के लिए आपने प्ले स्टोर को ओपन कर लेना है। यहाँ पर MCB लाइव को सर्च करना है, उसके बाद यहाँ से आपने MCB लाइव को डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड करने के बाद आपने इसको ओपन कर लेना है। उसके बाद आपके सामने अलो नोटिफिकेशन का एक पॉपअप ओपन होगा, आपने अलो पर क्लिक कर देना है। उसके बाद आपके सामने इस तरह का इंटरफेस ओपन हो जाएगा, आपने रजिस्टर नाउ पर क्लिक कर देना है। रजिस्टर नाउ पर प्रेस करने के बाद आपके सामने डॉक्यूमेंट रजिस्ट्रेशन का पेज ओपन हो जाएगा, जिसमें फर्स्ट ऑप्शन आपको आइडेंटिफिकेशन डॉक्यूमेंट टाइप का मिलेगा। यहाँ पर आपने डॉक्यूमेंट को सिलेक्ट कर लेना है। मैं यहाँ पर CNIC को सिलेक्ट करूँगा। उसके बाद आइडेंटिफिकेशन डॉक्यूमेंट नंबर, आपने जो भी डॉक्यूमेंट सिलेक्ट किया होगा उसका नंबर यहाँ पर आपको एंटर करना है। मैं यहाँ पर CNIC का नंबर एंटर करूँगा। उसके बाद डेट ऑफ बर्थ, यहाँ से आपको डेट ऑफ बर्थ को सिलेक्ट करना है और कंटिन्यू पर प्रेस कर देना है। नेक्स्ट पेज अकाउंट वेरिफिकेशन का है। यहाँ पर आपको तीन ऑप्शन दिए गए हैं, RDA अकाउंट नंबर, ईमेल रेफर्ड बाय। आपने फर्स्ट ऑप्शन में MCB का अकाउंट नंबर एंटर करना है, सेकंड ऑप्शन में आपने रजिस्टर्ड ईमेल को एंटर करना है, थर्ड ऑप्शन की सेक्शन ऑप्शनल है, यहां से आप कुछ भी सिलेक्ट कर सकते हैं। मैं यहां से SMS ईमेल फ्रॉम MCB को सिलेक्ट करूंगा। उसके बाद आपने प्रोसीड पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आपके रजिस्टर्ड ईमेल पर MCB की तरफ से एक वेरिफिकेशन कोड मौसूल होगा, आपने वेरिफिकेशन कोड को यहां पर एंटर कर देना है। उसके बाद आपने लैंग्वेज को सिलेक्ट कर लेना है, इंग्लिश या उर्दू। उसके बाद आपने सबमिट पर क्लिक कर देना है। सबमिट पर क्लिक करने के बाद आपके सामने यूज़र नेम और पासवर्ड का पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ आई बटन पर आप क्लिक करके यूज़र नेम और पासवर्ड की कंडीशन को चेक कर सकते हैं। उसके बाद आपने यूज़र नेम को एंटर करना है, पासवर्ड को एंटर करना है और पासवर्ड को कन्फर्म कर देना है। उसके बाद आपने टर्म्स एंड कंडीशन के ऑप्शन को चेक कर लेना है और उसके बाद आपने कम्प्लीट रजिस्ट्रेशन के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। उसके बाद आपके सामने सक्सेसफुली रजिस्टर का पेज ओपन हो जाएगा, जिसमें आपको बताया जाएगा कि आपको MCB की तरफ से एक ईमेल मौसूल होगी, जिसमें आपकी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस को एक्टिवेट करने के लिए लिंक होगा। आपने इंस्ट्रक्शन को फॉलो करना है और रजिस्ट्रेशन के प्रोसेस को कंप्लीट करना है। उसके बाद आपने प्रोसीड टू लॉगिन के ऑप्शन पर क्लिक कर देनी है। उसके बाद आपने MCB लाइव एप्लीकेशन के होम पेज पर आ जाना है। यहाँ पर आपने यूज़र नेम एंटर करना है, पासवर्ड एंटर करना है, उसके बाद लॉगिन पर प्रेस कर देना है। इस तरह से आप तमाम प्रोसीजर फॉलो करके MCB लाइव एप्लीकेशन पर रजिस्टर हो सकते हैं और लॉगिन हो सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको योर लर्निंग पॉइंट की ये वीडियो पसंद आई है तो आप योर लर्निंग पॉइंट को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको हासिल हो सके।